प्यारे दोस्तों नमस्कार। टीजीटी आर्ट गैलरी 1954 में आपका स्वागत है। आज मेरा चौथा वीडियो है जो टेस्ट सीरीज के रूप में फाइन आर्ट्स यूजीसी नेट के लिए जो जून 2020 में होने वाला है। इसका पहला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, हंस, मोर, नेवला, गरुड़। ये कौन किसकी सवारी थे? तो हंस ब्रह्मा जी का, मोर कार्तिकेय, नेवला कुबेर जम्बाला और गरुड़ विष्णु का। क्वेश्चन नंबर दो यहाँ भी है सुमेलित कीजिए। तो यहाँ चित्रकार और उनके चित्रों का नाम दिया हुआ है, जैसे राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, जामनी राय, नंदलाल बोस। तो राजा रवि वर्मा का क्या है? मराठी महिला। रविंद्रनाथ टैगोर नृत्य करती महिला। जामनी राय माँ और बच्चा। नंदलाल बोस डांडी यात्रा। क्वेश्चन नंबर तीन सुमेलित कीजिए, भूरा रंग तो मौन तथा दुख का, नारंगी रंग ज्ञान तथा गर्मजोशी, नीला रंग सत्य तथा दूरी, बैगनी रंग अनुराग तथा प्यार। क्वेश्चन नंबर चार मानव ने अपना तकनीकी कौशल इस क्रम में विकसित किया होगा। तो पहले क्या किस चीज़ का को विकसित किया होगा? तो है काष्ठ चित्र, काष्ठ उत्कीर्णन, धातु उत्कीर्णन, लिथोग्राफी। क्वेश्चन नंबर पाँच हरिहर का पितामह चार देवताओं को सम्मिश्रित मूर्ति कला का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें कौन कौन है? विष्णु, शिव, सूर और ब्रह्मा। प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हेल्पफुल लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छः सुमेलित कीजिए, पार्वती मंदिर तो कहाँ है? नाचना कुठार। दशावतार मंदिर देवगढ़। शिव मंदिर भूमरा। विष्णु और वाराह मंदिर एरण। क्वेश्चन नंबर सात विज्ञापन माध्यम का उसके सही ऐतिहासिक माध्यम है तो क्या है? पहले किस चीज़ का विकास हुआ? अखबार, उसके बाद रेडियो, उसके बाद टेलीविज़न, फिर इंटरनेट। प्यारे दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि यूजीसी नेट में इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको चारों चीज़ों का डेट या वो कब कौन सा पहले आया ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। जैसे इसमें है क्वेश्चन नंबर सात का ही विज्ञापन माध्यम का उनके सही ऐतिहासिक के माध्यम हैं तो क्या है? अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर आठ ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया की सही अवस्था है तो क्या है? पहले चित्रण किया जाता है, उसके बाद मेटल प्लेट, फिर रबड़ ब्लैंकेट, इंक ऑन पेपर, लास्ट में जो होता है इंक ऑन पेपर पे कार्य किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर नौ सुबोध गुप्ता का माध्यम क्या है? तो ये इस्पात माध्यम में कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर दस मोनोग्राम डिजाइन किया जाता है तो किस में किया जाता है? अक्षर के साथ। क्वेश्चन नंबर ग्यारह सुमेलित कीजिए जॉन कांस्टेबल ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। सल्वाडोर डाली स्पेन। क्लोद माने फ्रांस। जैक्सन पोलाक USA। क्वेश्चन नंबर बारह सुमेलित कीजिए अग्नि मेष वरुण मकर बृहस्पति हंस शुक्र मेढक। क्वेश्चन नंबर तेरह यहाँ पर है गंधार मूर्तिकला का उत्तम संग्रह माना जाता है तो गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ 1968 संग्रहालय जो 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 ककंद बोट प्राचीन नाम किसका है? ते सांची का प्राचीन नाम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जल्दी नहीं मिलता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे जो नेट के पेपर में पीछे आए हुए हैं उन्हीं से निकाले गए हैं और उन्हीं को लेकर के ये वीडियो बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय कला में मेधी शब्द का संबंध है तो वास्तुकला से। क्वेश्चन नंबर 16 वर्ष 1936 ईस्वी में बोट आंधी पद्मा क
काष्ठ चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो ये रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, विसेंट वैन गॉग का स्टारी नाइट्स रखा गया है तो आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में रखा गया है। स्टारी नाइट्स कहाँ है? आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 18, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है तो जिप्सम के निर्मलीकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, सही सम्मिलित कीजिए, हनीवा कहाँ है? जापान में। सेलिडोन कोरिया, पोर्सिलिन चीन, ब्लू पार्टी जयपुर। क्वेश्चन नंबर 20, सुमेलित कीजिए, इम्पास्टो मोटा तथा अपारदर्शी होता है, वाटर कलर पारदर्शी होता है, ऑयल पेस्टल अपारदर्शी होता है, एक्रेलिक पारदर्शी तथा अपारदर्शी दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 21, काल क्रमानुसार पश्चिमी दार्शनिकों का सही क्रम है तो क्या है? पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो, सेंट अगस्टीन। क्वेश्चन नंबर 22, कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में आरंभ की किसने की थी? कमल कृष्ण ने। क्वेश्चन नंबर 23, प्रिंटिंग में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का सही क्रम है तो पहले क्या होता है? वस्त्र, फिर कागज, उसके बाद पत्ता, कांच। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है तो किससे होता है? रेसिन से। क्वेश्चन नंबर 25, दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक हैं तो मैक्स बेर्दीमल। क्वेश्चन नंबर 26, सही सुमेलित कीजिए, कमल प्रबोधन, कलश जीवन, स्वास्थ्य खुशहाली, चक्र समय। क्वेश्चन नंबर 27, सही सुमेलित कीजिए, धर्मराज का स्तूप कहाँ है? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। गुप्त काल का ईंटों का मंदिर भीतरगांव, फिरोज मीनार मालागौर, अटाला मस्जिद शुंगवंश। अगला है 28 नंबर, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, केजी सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पूर्व पल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? तो इसका माध्यम था मिश्रित माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 30, मार्क शगाल हेल्स मूलतः संबंधित थे तो कहाँ से थे? रूस से। क्वेश्चन नंबर 31, पिघलते समय कांस की सफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है तो किस चीज़ का? सुहागा का। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, सोमनाथ होरे का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33, महाबलीपुरम के शैल उत्कीर्ण मंदिरों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है तो पूर्व से पश्चिम में जब चलते हैं तो पहले आता है द्रौपदी मंदिर, अर्जुन रथ, भीम रथ, युधिष्ठिर रथ। अगला क्वेश्चन नंबर 34, सही सुमेलित करें, डीपी राज चौधरी 1899, चिंतामणि कर 1915, अजीत चक्रवर्ती 1924, सरवरी राज चौधरी 1933, राम किंकर वैज 1906, शंखो चौधरी 1916 और यश धनपाल जो थे 1919 में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, सही सुमेलित कीजिए, तो इसमें आता है नागजी पटेल, तो पिंक बस्ट, सरवरी राज चौधरी, रिक्लाइनिंग वोमेन, हिम्मत शाह शीर्ष, राम किंकर बैज, गांधी डंडी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 26, जूट माध्यम में कार्य करने वाली कलाकार का नाम है तो मृणालिनी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 37, मसरूर शैल उत्कीर्ण एकास्म मंदिर स्थित है ते कहाँ पर है? कांगड़ा में। क्वेश्चन नंबर 38, मूर्तिकार पीआर खजूरिया संबंधित हैं ते कहाँ से हैं? जम्मू से। क्वेश्चन नंबर 39, वर्य का प्रभाव पड़ता है ते किस पे पड़ता है? धातु पर। क्वेश्चन नंबर 40, अंडर कटिंग शब्द संबंधित है
तो एचिंग से। क्वेश्चन नंबर 42, कोटे का प्रभाव या प्रयोग होता है तो लिथोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 43, सर्वप्रथम फुल रोमन हाई फेस की को विकसित किया तो किसने किया था, निकोलस जेनसन ने। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का सही क्रम है तो पहले आएगा मार्टंड, उसके बाद शंघोल, उसके बाद भीमबेटका, उसके बाद जग्ञाबेट। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।